हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनिमेश ऑन ट्रेल। बनारस की इस पावन नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिमेश। मैं बनारस पहुंच गया हूं। बनारस में कोई भी अगर आता है तो उसकी यात्रा की शुरुआत सबसे पहले आज हम जहां घूमने वाले हैं इन्हीं दो सिद्ध स्थल से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले हम जाने वाले हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके बाद हम जाएंगे एक शक्तिपीठ जो 51 शक्तिपीठ में से एक है, मणिकर्णिका घाट। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए आपको यहाँ का सबसे मेन चौराहा गदौलिया चौक जिसको कहते हैं वहाँ तक आना पड़ेगा और वहाँ से काफ़ी सुंदर कंक्रीट रास्ता जाता है सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर तक। यहाँ पे दोनों तरफ काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ पे पूजा सामग्री बिकती रहती है। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं अभी इतनी ज़्यादा भीड़ है। दिन के टाइम में अगर आप आते हो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लाइन में इंतज़ार करना पड़ेगा। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप जब भी काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आओ एकदम सुबह उठ के गंगा स्नान करके आप यहाँ डायरेक्ट आ सकते हो। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो यही है मेन द्वार काशी विश्वनाथ मंदिर का। कैमरा या मोबाइल यहाँ पर अलाउड नहीं है तो मुझे ये सारा सबमिट करना पड़ेगा। मैं दर्शन करके आता हूँ फिर हम चलेंगे अपने दूसरे शक्तिपीठ की तरफ। तो दर्शन मैंने कर लिया है, 6 बजे मैं घुसा था बट दर्शन करते करते 6:30 हो गए हैं। जिस रास्ते से आप सीधे गदौलिया चौक से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचते हो उसी रास्ते में सीधे आप आओगे तो आप घाट की तरफ आ जाओगे। मेरे पीछे गंगा जी हैं लेकिन अभी आपको दिखेगा नहीं, जनवरी का महीना है, सुबह के 6:30 बज रहे हो, चारों तरफ कोहरा है। बट हम यही घाट का रास्ता अपनाने वाले हैं और हम जाने वाले हैं अपने दूसरे सिद्ध स्थान पर मणिकर्णिका घाट के दर्शन करने। चलिए चलते हैं। मेरे पीछे अभी आप देख रहे होंगे ये सारी नौका यहाँ पे उल्टी पुल्टी रखी हुई है। एक्चुअली रात में उलट देते हैं नाविक लेकिन अभी कोहरा काफ़ी ज़्यादा है। सुबह के 6:30 बजे थोड़ा सा कोहरा जैसे ही छटेगा 1-2 घंटे में ये सारे नाव को वापस गंगा जी में उतारेंगे और जितने भी नाविक हैं वो सारे यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं उनको गंगा दर्शन करेंगे। बनारस शहर के पालनहार बाबा विश्वनाथ ही हैं। पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं बाबा के दर्शन करने और बाबा के दर्शन करने के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे सिद्ध स्थल है वहीं पर हम आगे बढ़ रहे हैं, मणिकर्णिका घाट। कहते हैं भगवान शिव ने ही मणिकर्णिका घाट की स्थापना की थी। भगवान शिव का यहाँ पर आशीर्वाद है कि मणिकर्णिका घाट की अग्नि कभी भी बुझेगी नहीं। कलयुग आ चुका है लेकिन भगवान शिव का वरदान अभी भी सत्य है। 2400 घंटे अगर आप मणिकर्णिका घाट आते हैं 365 दिन साल के यहाँ पर किसी न किसी का शवदाह जरूर होता है। इंडिया में हर जगह से हर स्टेट से यहाँ पर लोग अपने परिजनों को लाते हैं उनका अंतिम संस्कार करने। मणिकर्णिका घाट में अगर आप अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करते हैं तो कहते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट की इन्हीं पतली और सकरी गलियों से आदमी अपनी अंतिम यात्रा पूरी करते हैं। कहते हैं मरने के पश्चात आत्मा भी ऐसी ही पतली और सकरी गलियों से अपनी नई यात्रा की शुरुआत करती है। तो बनारस की मेरी पावन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आई एम ऑलरेडी वेरी हाई स्पिरिटेड बाबा विश्वनाथ और मणिकर्णिका घाट के दर्शन करने के बाद। बनारस में घूमने के लिए और भी कई सारी बहुत सुंदर जगह हैं, मैं ऐसे ही घूमता रहूँगा, अपने वीडियो शेयर करता रहूँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।